ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों को अभी करना है क्या गाइस, आप लोगों को बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है एंड उसके बाद जाकर आपको बैकग्राउंड पिन डाउनलोड करके अपनी फोटो को एडिट करना है। बस गाइस अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है? अभी मत करना, मतलब वीडियो को देख लो उसके बाद करना। अभी गाइस आपको करना है इस बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सल आर्ट में एंड देन जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना अपने मॉडल को, ठीक है? एंड गाइस मॉडल को जब आप ऐड करोगे तो गाइस आपके मॉडल में भी कुछ इस टाइप की जो मतलब की ज़्यादा ब्राइटनेस होगी एंड जो बैकग्राउंड है वो तो डार्क है आप सभी को पता ही है। तो बाकी जो मॉडल में जो ब्राइटनेस वगैरह होगी उसको आपको मैनेज कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट एडजस्ट जाके मैं आपको मतलब ब्राइटनेस ये सब मैनेज नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाओगे तो गाइस मतलब फोटो मतलब खराब हो जाएगी आपकी, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो अभी गाइस पहले तो हमने यहाँ पे मॉडल को अपना लगा लिया, अब बात आती है हमारी इसको मॉडल को जो है अपने बैकग्राउंड से मैच कराने का। तो उसके लिए आपको जाना है ऐसे इफेक्ट में, ठीक है? इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में जो कि यार यहाँ पे पहले से ही है हम। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो इसकी ओपेसिटी अपने हिसाब से रखना है, कम करना है, यानी कि कम इतना करना है कि मतलब आपके जो बैकग्राउंड में जो एकदम डार्क सीन अलग है आपका मॉडल अलग ही, ठीक है? तो इतना 70 तक कुछ रख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस अपने मॉडल का साइज जो है आपको देखना है कि गाइस आपको कितना रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली फोटो को डन करना है। उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से आप सभी को फायर का PNG ऐड कर लेना है, ठीक है? इस PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इसका जो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, पहले इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको इसको स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद जो आपके हाथ में जो भी आपके पकड़ रखा होगा आपको सिंपली इसके पास इस तरीके से इसको लगा देना है, ठीक है? फायर को एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहो यानी कि मतलब कि थोड़ा डिटेल वगैरह चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ तो अभी मैं इसको डन कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को विग्नेट का PNG जो कि गाइस आपके फोटो में थोड़ा जो पैरों के पास जो डार्कनेस हो जाएगी तो बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा आपका फोटो। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से एंड स्क्रीन फुल स्क्रीन करने के बाद जो है आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है। अब गाइस जितना काम हमारा हो गया यहाँ पे पिक्स आर्ट का, तो अभी इसमें क्या है कलर क्रिएशन की बारी है। तो अभी इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फोटो को जो इसको पहले सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में। सो इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है, लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। अब गाइस देखिए हमने फोटो को तो इसमें पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है? तो अभी इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है सिंपली इस लाइट वाले ऑप्शन में जो कि आपको दिख रहा होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको आपको यहाँ पे प्लस करना है। फिर उसका जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ रखना है। फिर उसका जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करना है। वाइट है जो आ गाइस उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करना है एंड जो ब्लैक है इसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड जो फोटो में टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है एंड जो ल्यूमिनस है इसको बढ़ा देना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका ह्यू माइनस करना है एंड जो उसके बाद है आपको डार्क ब्लू, आपको इसको सिंपली इसमें जाके आपको जो है यहाँ पे इसका ब्लू इस सैचुरेशन इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद कर देना है आपको डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की जो क्लियरिटी है उसको इंक्रीज करना है। फोटो में जो विग्नेट है वो अपनी फोटो के हिसाब से डालना है आपको, ठीक है? अगर आपकी फोटो ज़्यादा डार्क ना हुई हो तो। उसके बाद आपको ग्रेन माउंट को बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना है आपको नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रुक्स है वो बढ़ा देना है, नीचे कलर नोट रुक्स मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।